चलो गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग? आज से मतलब 12 के जा रहे हैं चंबल गाइस। और यार आज हम खेल रहे थे इखे भाई का टू डुओ, मतलब डुओ टूर, और नो पीएच के था भाई। और मेरा टीममेट था भाई ईशान, टीम इंडिया वाला, तो मेरे को लगा था टीम इंडिया से है भाई, बहुत अच्छा खेलेगा टीम इंडिया भाई। ऐसे फालतू तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ी फालतू हो गई है भाई। रिसेंटली मेरे को पता चला है भाई पाकिस्तान से हार गई है, तो मेरे को लग रहा था भाई अब तो ख़त्म ही है, अब तो करियर ही ख़त्म है भाई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान को हेट कर रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ भाई, पाकिस्तान वाले जो व्यूअर्स हैं भाई गुस्सा मत हो जाना। मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान से पहले जीत जाते थे, अब नहीं जीत पा रहे, तो बस मतलब डिमोशन हो गई है थोड़ी सी। और यहाँ पे पहला ही मैच था और भाई मैंने हगा, उसके बाद ईशान रुक गया क्योंकि उसको लगा ओपोनेंट जीत जाएगा, फिर ओपोनेंट भी भागा, ईशान भी भागा, फिर दोनों भागे और ईशान लीड में था, लेकिन ईशान ठुका, ओपोनेंट भी ठुका, लेकिन ईशान पीछे आ गया, ओपोनेंट आगे चला गया, क्या चल रहा है भाई। और भाई मुझे जितना पता है तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि आज है 1 अगस्त और अब टूर रोज़ नहीं होने वाले, ठीक है। रोज़ के 5-5, 8-8 टूर होते थे ना, अब नहीं हो रहे, ठीक है। क्यों नहीं हो रहे ये भी मैं बताता हूँ। देखो अब सीन ऐसा हो गया था कि सबको ना बहुत ज़्यादा जेम्स बांट दिए गए थे, तो इनकी स्पेशल स्किनें ना ख़त्म हो रही थी, हर बंदा अपने अकाउंट में स्पेशल स्किनें भर के बैठा था। स्पिन तो भाई ऐसे लोग हवा में जेम्स उड़ा रहे थे जैसे पता नहीं शादी में बैठ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा है कि अब से टूर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे भाई, हफ्ते में एक टूर आएगा मुश्किल से। मतलब देखो अब सिस्टम ऐसा है, जो टीयर 1 वाले लोग हैं वो महीने में एक टूर बना सकते हैं, जो टीयर 2 वाले लोग हैं वो महीने में 2 टूर बना सकते हैं, और बाकी जो टीयर 3 वाले लोग हैं, जो सबसे पावरफुल बाहुबली हैं इनके, वो हर हफ्ते एक टूर बना सकते हैं। तो देख लो भाई जैसे जैसे टूर आएंगे पता चलता जाएगा, पर दिक्कत यह है कि कंटेंट कम हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना वापस से 1v1 रैंक पे आना पड़ेगा, कुछ भी चला जाए। देखो 1v1 रैंक तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, वो तो खेलेंगे और वो तो मैं जीत भी जाऊंगा, वो मैंने वैसे ही क्विट करके रखा था। अब तो भाई टूर भी आने वाली है, देखो लड़ी लगाता हूँ मैं। और भाई जैसा कि तुम लोग को पता है कि गेम बंद हो चुकी है, मतलब गेम बंद तो नहीं हुई है, ऑलमोस्ट बंद हुई है, और टूर तो बंद हो ही चुके हैं। तो अब एक काम करते हैं, BGMI भी डालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग बताओ किस किस को BGMI देखने का है। BGMI की मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी है, अच्छे खासे किल मारे हुए हैं भाई, बहुत ज़्यादा घुस घुस के दिया था। तो जिस जिसको देखनी है भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दो, और कोई गेम पता है तो वो भी बता दो, और इंडियन बाइक ड्राइविंग के मैच पता है तो वो भी बता दो, इधर बता दो या कम्युनिटी पोस्ट बता दो, जहाँ बताना है बताओ, लेकिन बता दो यार मेरे को वीडियो बनाने का है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है भाई, मेरे को वीडियो बना के रहेगा मैं। अब यहाँ पे भाई ईशान पे स्पॉन नहीं थी, मेरे पे थी, तो ईशान भाई ने सीधा बंदों के मुंह पे जंप मार दी भाई, और दोनों बंदों को लेके चला गया। एक बंदा पूरा नहीं गया था, पर ठीक है भाई, देखो मेरे को जितनी लीड चाहिए थी भाई ने दिलवा दी है, टीम इंडिया होने की कम से कम थोड़ी इज्जत रख रहा है भाई, वरना तो भाई मैं इतनी बेइज्जती मारता ना। वैसे बेइज्जती होने वाली आगे, टेंशन मतलब बिना बेइज्जती की तो वीडियो नहीं खत्म होगी। तो यहाँ पर भाई तुम्हारा भाई लीड में आ चुका था, और तुम्हारे भाई का तुम लोग को पता ही है भाई, इतना लीड में आने के बाद तो तुम्हारा भाई हकता ही नहीं है, मतलब तू सा भी नहीं हकता अभी, वो अलग बात है पहले मैच में हक के आ रहा हूँ, लेकिन वैसे नहीं हकता, ठीक है, समझा करो तुम लोग। वो साल में कभी एक बार तुक्का लग जाता है, कभी कभी हक देता हूँ मैं, पर ठीक है जब तक इज्जत बैठी है तब तक ठीक है। अब भाई ईखे भाई की पसंद क्या है मेरे को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि भाई ने फेज 2 में अच्छे अच्छे मैच रख दिए, फेज 3 में जो हगा है ना भाई ने, मतलब भाई पूरे महीने हगा है भाई ने, ऐसे टूर बनाए थे, मतलब पूरे महीने सेम ही था, तो हगा ही है महीने महीने में। फेज 3 में एबडक्शन एवेन्यू कौन रखता है भाई, मतलब किसी को खेलना भी नहीं आता, कोई खेलना चाहता भी नहीं है, फिर भी खेलना पड़ रहा है। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई एबडक्शन एवेन्यू वाले फेज 3 के लिए मैं पार्टनर किसको बनाऊँ, क्योंकि देखो जिसको मैं बनाता हूँ इनको लावा लैंड कहाँ गया, लावा रश और लॉस्ट टेंपल के अलावा कुछ आता नहीं है। और जो लोग एबडक्शन एवेन्यू जीतते हैं वो हर बार नहीं जीतते, कभी भी कोई भी जीत रहा है, तो पता नहीं चल रहा भाई किसी को खेलना आता भी या नहीं आता, किस्मत से जीते जा रहे हैं लोग। अब यहाँ पे भाई तुम्हारा भाई फुल कैरी कर रहा था, देखो कोई टेंशन की बात तो नहीं है भाई, रेस टूर तो मेरे पे छोड़ दिया करो, 1v8 कर देगा मैं, भले 1v8 के टूर नहीं बने अभी तक, लेकिन मैं कर देगा फिर भी। अब यहाँ पे ओपोनेंट में हरा नाम आया था, कोई मैं नहीं जानता भाई कौन है, मतलब मैं जानता तो हूँ फ्रेंड लिस्ट में है तो मतलब जानता तो होऊंगा ही, पर कौन है नहीं पता। और ईशान भाई कुत्ता बॉडी दे रहा था भाई, ईशान भाई पागल ही हो गया था, ईशान भाई के माता चढ़ गई थी, बंदा रुक ही नहीं रहा भाई, पहले 2 बंदे को बॉडी दिया था, इस बार तो ऐसी बॉडी दी, दोनों डूब ही गए भाई। और मैं इस लेवल इस टाइम पे इतना इंप्रेस हो गया था ना कि मैंने कहा अब तो मैं ही जीतूंगा, और ये देख लो भाई गेम के नशे इन्होंने मेरी जान लेके रखी हुई है भाई, जान और वो भी लेके रखी हुई है, समझ जाओ तुम, मैं बोल नहीं सकता अभी, बहुत मन कर रहा है मेरा बोलने का भाई, मतलब मेरी खुशी नहीं सहन होती इनसे ना, मैं कंप्लेंट कर दूंगा भाई, मेरे को रोना आ जाएगा। ईशान भाई को लग रहा था मैं जीत रहा हूँ, ईशान भाई बगल में खड़े हैं देख रहे हैं भाई, ईशान भाई को बाद में पता चला कि मैं तो बगल से जा रहा हूँ, कांड हो चुका है भाई अपने साथ। ईशान भाई को रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही भेज दी थी कि भाई देख मेरी गलती नहीं थी, वरना गालियाँ आ जाती है, अभी पैराग्राफ आता लंबा सा, और मुझे पता चल गया था यार वो जीत चुका है, छोड़ देते हैं फालतू में, क्या ही जा रहा है, था कौन ये भी नहीं पता चला अभी तक। अब आ गया है भाई वापस से लॉस्ट टेम्पल, और भाई थोड़ी देर के लिए गेम क्या कम कर देता हूँ, खेलना नई नई स्किनें आ जाती है, जो मेरा टीममेट पहन के खेल रहा है मेरे को वो भी नहीं पता, जो ओपोनेंट पहन के खेल रहा है मेरे को वो भी नहीं पता, मैं ये सस्ती स्किनें पहन के खेल रहा हूँ, वो अलग बात है भाई 800 रुपये की आई थी जब आई थी, उसके बाद इन्हें सस्ती कर दी भाई, हरामी लोग है भाई, नई नई आती है महंगी कर देते हैं, मैं जोश जोश में ले लेता हूँ फिर रेट कम हो जाता है भाई, ये क्या बदतमीजी है।
अब यहाँ पे भाई ईशान भाई की लीड का कोई फायदा नहीं हो भाई, ईशान भाई बॉडी देने आया बस, ठीक है जीतेगा तो मैं ही, ठीक है मेरे को उसने रखी इसलिए रखा है कि तू जा भाग, मैं बॉडी देने के लिए खुश हूँ। अब वैसे भी ये आखिरी राउंड था फेज टू का, तो हम क्वालिफाई तो हो ही गए थे, हम एक मैच खुद हारे थे और एक मैच हमें हरवाया गया था टीम ये गेम वालों के द्वारा, जो तुम लोग को पता ही है। पर मेन बात आ गई थी, अब मैंने भाई ईशान भाई से सीधी बात पूछी थी, एबडक्शन एवेन्यू आता है कि नहीं आता है। भाई ने बोला मास्टर ब्रो, मास्टर ऑफ एबडक्शन एवेन्यू, भाई बचपन से खेलता आ रहा हूँ, जब से मैप बना नहीं था ट्रायल भी मैंने दिए थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई लेंगे इसी भाई को लेंगे, भाई ये भाई तो जितवा ही देगा मेरे को टूर। और भाई से भागा नहीं जा रहा भाई, भाई भाई लीड में था, भाई पे स्पॉन भी थी भाई, भाई फिर भी मेरे से पीछे है, क्या करना चाह रहा है मेरे को नहीं पता, और मेरे को आज तक नहीं पता चला भाई यहाँ पे फास्ट कौन सी जगह है, लेफ्ट वाली जगह फास्ट है या फिर सीधी वाली जगह फास्ट है। मेरे को तो जहाँ भगवान ले गया मैं चला गया, देखो मेरे को था जैसे तैसे जाऊँगा, जीत गया तो जीत गया, नहीं तो ऐसी की तैसी। अब यहाँ पे भाई किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, जो मैं ठुक के बचा हूँ भाई, मतलब पहली बार हुआ होगा मेरे साथ कि इतनी अच्छी किस्मत चल गई मेरी। अब बात चुका था भाई राउंड टू, और मेरे को था राउंड टू में तो इजी ओपोनेंट्स आएंगे, ईशान भाई को इतना अच्छा आता ही है, वैसे भी ईशान भाई जितवा देगा, ईशान भाई पे स्पॉन भी थी, तो मेरे को था ईशान भाई ओपी कर दो भाई एक बार जल्दी से कर दो, अभी उसके अलग बात है वो भी गाली पड़ेगी। अब यहाँ पे भाई तुम्हारे भाई ने जो लीड मारी और फिर मैंने बॉडी भी इतना बढ़िया मारा कि उनके दोनों बंदे नीचे आ गए, देख रहे हो ना ये दोनों बंदे नीचे खड़े हैं मेरे साथ, और ईशान भाई को मैंने खुली लीड दिलवाए थे, मैंने कहा अब तो ईशान भाई लेके जा रहा है, ईशान भाई को अब गाली लिखने के लिए तैयार हो जाओ सारे, ठीक है कमेंट्स खोल के बैठ जाओ जल्दी से, तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा होगा ईशान भाई अंधी लीड में है, ठीक है ईशान भाई को कोई पकड़ भी नहीं सकता, ठीक है पुलिस भी नहीं पकड़ सकती भले उनके हाथ कितने भी लंबे हो। इतने में मैं ऊपर आया और मैंने देखा ये ईशान भाई पीछे कैसे हो गया, ईशान भाई तो मीलों की लीड में था, ये हुआ कैसे पता नहीं चला मेरे को अभी तक, ठीक है नासा वाले भी परेशान हो गए, नासा वालों ने कंपनी ही बंद कर दी है, ये हुआ कैसे उनको पता ही नहीं चल पा रहा भाई, इस रिसर्च के बाद तो खत्म ही हो गया उनका करियर ही खत्म हो गया। अब ये राज क्या क्या हुआ है ईशान भाई के साथ ये तुम लोग ही बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, इतने टैलेंटेड लोग तो तुम ही हो, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता चल पाएगा, ये तो सालों में नहीं पता चल पाएगा, मैं अभी वापस भी देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मेरे नहीं समझ आ रहा क्या हुआ इसके साथ भाई, बंदे पे 500 कदम की लीड थी, धीरे 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 कम तो कर दी वो, ठीक है वो मेरे को समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं कम हो भी जाए लीड, पर हार कैसे गया भाई इतनी ज़्यादा लीड की कैसे हार गया। उसके बाद भाई बहाने चालू हो जाते हैं, मेरे को इतना गुस्सा आया था ना भाई कि भाई जीता हुआ मैच क्यों हरवा रहे हो भाई, हारा हो तो देखो हरवा दो कोई दिक्कत नहीं है, जीता हुआ क्यों हरवा रहे हो। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, ईशान भाई ने ज़्यादा लंबी वीडियो बनने नहीं दी, ईशान भाई ने बोला चलो भाई हो गया बस आज का हो गया और कॉन्टेंट नहीं देंगे, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करूँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को लाइक करेंगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।